नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, TGT की वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी लोगों को आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रशिक्षित स्नातक हिंदी के पाठ्यक्रम की, क्योंकि कोई भी तैयारी शुरू करने से पहले उसके पाठ्यक्रम को अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कि प्रशिक्षित स्नातक जो परीक्षा होने वाली है उसमें साक्षात्कार नहीं होगा, तो सारा दारोमदार लिखित परीक्षा पर ही रहेगा। इसलिए जो प्रतियोगिता है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो बहुत कठिन होने वाली है। आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। चलिए देखते हैं कि क्या क्या पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत आपको क्या देखना है, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। उसके बाद रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। जो लोग PGT की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल एक सा है, लगभग स्तर भी प्रश्नों का एक सा ही रहता है, कुछ बहुत अंतर उसमें हो सकता है। हिंदी गद्य का उसके बाद बात आता है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। हिंदी गद्य की लघु विधाएं जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य क्या काव्य और व्यंग, ये आपको गद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत पढ़ना है। हिंदी के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। काव्य शास्त्र की बात करें तो काव्य के भेद, रस भेद, रस भेद के अव्यय, छंद, अलंकार। अलंकार में शब्दालंकार सारे पूछे जाएंगे, सारे अर्थालंकार आपसे पूछे जाएंगे, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, नागरी लिपि का नामकरण, विकास विशेषताएं, त्रुटि सुधार के प्रयत्न, व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोको। इतना ये जो भाग है ये आपका व्याकरण से है। जो भी आपका हिंदी साहित्य का और हिंदी गद्य साहित्य का विकास है, ये सारा कुछ लगभग सिलेबस आपका PGT की ही तरह है। और इस सब के लिए यदि आप मेरी तथ्यपरक हिंदी साहित्य संकलन बुक को लेते हैं, किताब को, तो उसमें आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, एक भी प्रश्न उसके बाहर से आपको नहीं मिलेगा, आप परीक्षाओं के बाद उसमें मिला सकते हैं। इसके अलावा अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के लिए शारदा पब्लिकेशन की एक शिव मूर्ति शर्मा जी की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, उसके बाहर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये दो बुक्स ही आपको, ये दो पुस्तकें ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पूरी तरह से हिंदी प्रशिक्षित स्नातक का सिलेबस तैयार हो जाएगा। संस्कृत में संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, ये आपको मेरी पुस्तक तथ्यपरक हिंदी साहित्य संकलन में मिल जाएंगे, उसमें मैंने दे रखे हैं। संधि, स्वर, व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग और अनुवाद। यदि आपको शिवमूर्ति शर्मा जी की पुस्तक मोटी लगती है तो आप हिंदी व्याकरण के लिए और संस्कृत व्याकरण के लिए लूसेंट की बुक भी ले सकते हैं, बहुत ही कारगर साबित होगी। लेकिन बहुत ज्यादा बुक्स आप लेंगे तो आपको समस्या होगी, आप कंफ्यूज होंगे। कम से कम को अच्छे से अच्छे तैयार करना आपकी रणनीति होनी चाहिए। यदि आपको मेरी पुस्तक प्राप्त करनी है तो आप
7745958585 पर व्हाट्सएप मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। वहां मैं आपको इंडेक्स भेज दूंगी, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज से ही आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। आपका वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।